अब तक हमने जो पढ़ा था वो प्रॉपर्टीज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालना है, डिवाइड कैसे करना है, वो भी हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा आज का जो नया नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट निकालना किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखिये, स्क्वायर रूट निकालने का मतलब क्या है कि अंडर द रूट निकालना है। और अंडर रूट हम निकालने के लिए कैसे करेंगे, आप सबसे पहले दिए हुए वैल्यू जिसका आपको अंडर रूट निकालना है आप उसको किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल मान लेंगे और फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उसके रियल पार्ट को आप रियल के इक्वल और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल। फॉर एग्जांपल, z इज इक्वल टू 7 प्लस 24 आयटा, इस क्वेश्चन का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। मैंने क्या बताया, इस z को कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए, a प्लस आयटा b इज इक्वल टू 7 प्लस 24 आयटा, इसका आपको क्या निकालना है, स्क्वायर द रूट। मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया, हम दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से स्क्वेयर कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस आयोटा b का होल स्क्वेयर। इधर स्क्वेयर करेंगे तो रूट से स्क्वेयर कैंसिल, इसको सोल्व कीजिए, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab और इक्वल में क्या आ गया, 7 प्लस 24 आएगा। इसको सोल्व करिए, आयोटा स्क्वेयर क्या होता है भाई, माइनस प्लस 2ab आयोटा इक्वल 7 प्लस 24 आएगा। इसके बाद क्या करेंगे, ये पार्ट है रियल, ये है इमेजिनरी, ये है रियल और ये है इमेजिनरी। हमने पढ़ा था ना कल, a प्लस बी आयोटा अगर c प्लस डी आयोटा के बराबर है तो a और c बराबर होंगे, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 7 के, और 2ab की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 24 के। अब आप क्या करेंगे, आप एक आइडेंटिटी याद रखिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में 4a² b², ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। ये मैंने क्यों लिखी, यहां से मैं a² प्लस b² की वैल्यू निकाल लूंगा, यहां से मेरे पास a² माइनस b² की वैल्यू है तो मैं इजीली a और b की वैल्यू निकाल सकता हूं, वो a और b मैं यहां रख दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए, रख देते हैं वैल्यू, a² प्लस b² का होल स्क्वायर, a² माइनस b² होल स्क्वायर मतलब 7² 49 प्लस में 4a² b². अब अगर आप 2ab का स्क्वायर दोनों साइड करें तो ये क्या बनेगा, 4a² b², 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा, 576, छोड़ दीजिए 625 a² प्लस b² का होल स्क्वायर। अब हमें निकालना है a² प्लस b², ये स्क्वायर उधर जाएगा तो 625 का अंडर द रूट 75, ये स्क्वायर प्लस b² की वैल्यू आई, इधर से a² माइनस b² की वैल्यू कितनी आएगी, 7, काट दीजिए, a² कितना होगा भाई, 20a², जोड़ दीजिए 32, दो से काटेंगे तो ये 16, a की वैल्यू 4 आ गई। वापिस यहां रखिए, a² की जगह 16 प्लस b² इज इक्वल टू 25, b² 16 उधर जाएगा भाई माइनस का, कितना बचा 9, b² की वैल्यू, तो b की वैल्यू आ गई 3। ये आप यहां रखिए, z इज इक्वल टू आपने माना था a प्लस आयोटा b, देन a प्लस आयोटा b, a क्या है आपके पास और b क्या है 3 आयोटा, ये आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर द रूट। एक बात और याद रखिएगा, स्क्वायर रूट आपके पास पता है, जैसे मैं मान लो 16 का स्क्वायर रूट सोल्व करता हूं तो आंसर प्लस माइनस में आता है, प्लस 4 भी हो सकता है माइनस 4 भी हो सकता है, ऐसे यहां भी याद रखिएगा, आपको हो सकता है ये ऐसे दे दे प्लस माइनस, आप प्लस माइनस लीजिए या प्लस लीजिए, ये आंसर होगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, मेन जो है, मेन क्या है, मेन ये आइडेंटिटी है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आया हो इस क्वेश्चन से समझ लीजिए, नहीं तो वीडियो को रिमाइंड करके देख लीजिएगा, एक बार रिवाइज करिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन आ जाएगा। मान लो मैंने ये ले लिया, z इज इक्वल टू 5 माइनस 12 आएगा तो क्या बनेगा भाई, दोनों साइड आप यहां क्या मानेंगे, a प्लस आयोटा b, 5 माइनस 12 आयोटा का अंडर द रूट क्या लिखेंगे, स्क्वायर ऑन बहुत सारे, क्या बना, a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर, इधर क्या बना, 5 माइनस 12 आयोटा, स्क्वायर करें a² प्लस b² प्लस में 2ab, फिर से वही बात, रियल को रियल के इक्वल कंपेयर करें, आयोटा स्क्वायर क्या होता है भाई, -1, इक्वल में कितना आ गया 5, 2ab की वैल्यू कितनी आ गई, -12, आयटा से आयटा कैंसिल, 2ab -12,
अब आप देखिए यहाँ वैल्यू रखिए, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का स्क्वेयर, पांच का स्क्वेयर 25, इसका स्क्वेयर करेंगे तो ये क्या बना 4 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, अब माइनस का स्क्वेयर तो प्लस होता है और 12 का 144, कितना बन गया भाई 169, ये बना ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये स्क्वेयर उधर जाएगा रूट में बदल जाएगा, कितना आ जाएगा 13, ये वैल्यू यहां रख दीजिए, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल में 5, सोल्व करें ए स्क्वेयर स्क्वेयर 2 ए स्क्वेयर 18, ए स्क्वेयर की वैल्यू आ गई 2 से काट देंगे तो 9, ए की वैल्यू कितनी आई 3, रख दीजिए यहाँ ए स्क्वेयर 9 प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 13, बी स्क्वेयर 9 उधर जाएगा 4, ए की वैल्यू क्या आ गई 2, जेड आपके पास क्या था ए प्लस आई था बी, ए की वैल्यू कितनी आई है 3 और बी की वैल्यू कितनी आई है 2, 3 प्लस 2 आई था, ये आपके पास स्क्वेयर था, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। अब अगर किसी को समझ में ना आया हो तो आप एक बार इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, क्वेश्चन आ जाएगा इजीली, आप मेन जो है इसको याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगे कि सर ये पोर्शन हमारा सोल्व नहीं हो रहा, आप कमेंट में उसको लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट उस पर आपको समझा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा इसके अंदर वो है हमारा कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट का मतलब क्या है, देखिए जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका इमेजिनरी पार्ट का अगर आप साइन बदल देते हैं तो वो उसका कंजुगेट बन जाएगा। जैसे आपने लिखा a प्लस आयटा बी, अगर मैं इसका आंसर लिख दूं a माइनस आयटा बी तो ये बन जाएगा इसका कंजुगेट। अब याद रखिएगा, एक तो हमने किया था एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स में तो हमने आंसर क्या लिखा था माइनस ए माइनस आयटा बी, एडिटिव इनवर्स में आप दोनों साइन चेंज करेंगे, जबकि कंजुगेट में आप सिर्फ आयोटा का साइन चेंज करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। मान लो आपने ये जेड लिखा है 2 + 3 आयोटा, तो इसका कंजुगेट ये देखिए जेड के ऊपर जो मैं ये बार टाइप आपको दिखाई दे रहा है ये जो लगा रहा हूं ये कंजुगेट बनेगा। इसका जब आप आंसर लिखेंगे तो प्लस की बजाय क्या बन जाएगा -3 आएगा, तो जेड कंजुगेट 2 - 3 मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपको सिर्फ आयोटा का साइन चेंज करना है, बाकी आपको पूरे पोर्शन को सेम रखना है, वो आपका रहेगा ये बार, इसको कंजुगेट बोलते हैं। फिर है हमारे पास मॉडुलस, मॉडुलस क्या है, मोड के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, मोड जो होता है आपको पता है, ऐसे हम मॉडुलस का सिंबल लेते हैं और यहां हमारे पास वैल्यू प्लस हो चाहे माइनस हो हम कंसीडर क्या करते हैं प्लस। कंजुगेट के केस में आप मॉडुलस कैसे निकालेंगे, मतलब मोड ऑफ जेड आप कैसे निकालेंगे, जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखा है उसके जो भी कोफिशियंट हैं ए और बी उसका स्क्वेयर कर दीजिए, जैसे 2 का स्क्वेयर 4 और 3 का स्क्वेयर 9 और उसका लगा दीजिए अंडर दी रूट, यानी मोड ऑफ जेड किसके बराबर होगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अंडर दी रूट। लेकिन एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर आप कंजुगेट निकाल रहे हैं या आप मॉडुलस निकाल रहे हैं इस फार्मूले से, उस केस में आपको सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है, उसकी a प्लस आयटा b की फॉर्म बनानी होगी, मतलब अगर फॉर्म पहले से ही नहीं दे रखी है तो आप उसको उसमें कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही आप उसको बनाएंगे। कैसे, इक्वेशन के थ्रू हम इसको देख लेते हैं। मान लो आपको ये दे दिया z इज इक्वल टू 1 - i/1 + i, मैं कहूं इसका कंजुगेट और इसका मॉडुलस निकालिए। अब देखिए ये कंप्लीट a प्लस आयटा b की फॉर्म में नहीं है, पहले आप इसकी a प्लस आयटा b की फॉर्म बनाइए और वो बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसका रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि हमें पता है 1 + i/i जब भी नीचे होगा हम रैशनलाइज करेंगे, ऊपर 1 - i, नीचे 1 - i, ऊपर क्या आ गया 1 - i का होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1,
माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब यहां क्या बन गया, वन आयटा स्क्वेयर की वैल्यू माइनस वन अब माइनस टू आयटा माइनस टू। अगर हम इसको लिखें, देखिए वन और माइनस वन कैंसिल, माइनस टू आयटा अपॉन टू, टू से टू कैंसिल, माइनस आयटा बच गया। अब आपको पता है ये कौन सा आंसर है भाई, इसको सिंपलेस्ट करके लिखें तो आपके पास जेड क्या बन गया, जीरो माइनस आयटा लिख सकता हूं, क्योंकि रियल तो वैल्यू ही नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी वैल्यू है। ऐसे केसेस में आप इसको कहेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर, हम पहले बता चुके हैं। अब देखिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की, और सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई तो हम इसका क्या निकालेंगे, कंजुगेट। जेड के ऊपर बार लगा दीजिए, जीरो का तो कुछ चेंज होगा नहीं, माइनस आयटा किस में बदल जाएगा स्टूडेंट, प्लस आयटा में। और अगर हमें इसका मोड ऑफ जेड निकालना होता तो मैंने क्या फार्मूला बताया था, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर अंडर बी रूट, ए का स्क्वेयर यानी जीरो का स्क्वेयर, और बी का स्क्वेयर यानी वन का स्क्वेयर अंडर बी रूट, और वो वन का रूट क्या होता है, वन। ये आपके पास एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा इसी से रिलेटेड थोड़ा सा, जिसका हमें कंजुगेट ही निकालना है। मान लो ये आ गया जेड इज इक्वल टू थ्री आयटा माइनस वन का होल स्क्वेयर। पहले क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनाइए, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी, आयटा स्क्वेयर की वैल्यू रखिए, माइनस नाइन प्लस वन माइनस सिक्स आयटा, माइनस एट माइनस सिक्स आयटा, बन गई सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसका कंजुगेट जेड बार, माइनस एट का तो माइनस एट ही रहेगा, माइनस सिक्स किस में बदल जाएगा, प्लस सिक्स आयटा में। और जेड का अगर मोड निकालना हो तो एट का माइनस एट का स्क्वेयर प्लस में माइनस सिक्स का स्क्वेयर अंडर बी। देखिए यहां माइनस हो प्लस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम स्क्वेयर करेंगे तो प्लस ही आएगा, एट का स्क्वेयर सिक्सटी फोर, सिक्स का स्क्वेयर थर्टी सिक्स, हंड्रेड अंडर बी। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन का कंजुगेट और मॉडुलस निकाल सकते हैं। ओके ठीक है, थैंक यू।